हेलो फ्रेंड्स, लिलिमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाने के कुरकुरे। तो इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पहले हम वो नोट करेंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है। तो चलिए हम बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी साबुदाना लिए है, ये कच्चे है, इसको मैंने भिगोए नहीं है। और इधर हाफ टी स्पून काली मिर्च लिए मैंने, और ये मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, और इधर मैंने 2 आलू लिए हैं बॉईल, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने ये एक कटोरी में जो साबुदाने हैं इसको मिक्सी में डालेंगे हम, और अब इसमें ऐड करूंगी मैंने ये जो काली मिर्च ली है, और इसमें ऐड करेंगे नमक, और इन सबको अच्छी तरीके से ग्राइंडर में पीस लेंगे हम। आप देख सकते हैं ये मैंने पीस के रेडी कर लिया है। और अब मैं ये जो मैंने आलू बॉईल किए थे, कद्दूकस किए थे, उसमें मैं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी, ऐसे इसमें हम सारा डाल देंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसमें मैं अब लूंगी मैं 1 टीस्पून नमक, वो तेल है। और अब इनको अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो लगा के हमको रेडी करना है। इसमें हमने सारी चीज मिला दी है, तो अब हम इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे। पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे अभी हम, पहले ऐसे इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे, अगर जरूरत लगेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। तो चलिए हम डो लगाते हैं इसका, और अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, आप देख सकते हैं। और ये बिना पानी के ही बहुत अच्छी बाइंडिंग हो रही है इसमें, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से हमको इसका पूरा डो बना के रेडी करना है। आप देख सकते हैं ये मैंने डो बना के रेडी कर लिया है, और बिल्कुल पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें आलू मैश किया था, तो आलू से ही बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई, और हमने तेल ऐड किया था तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई थी उससे, इसलिए हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए, और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, इसको अच्छा मिक्सी में पीस लेंगे हम, तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है इसकी। और कच्चे साबुदाना है तो उसको थोड़ा पीसने में टाइम लगता है मिक्सी में, पर बहुत अच्छा है उसको। बहुत ही हमको ज्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा नॉर्मल सा रखना है हमको, थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का। तो उसको हमने पीस लिया, थोड़ा मोटा ही था, और उसमें हमने सारी चीजें ऐड करी थी अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई थी। तो इसको 10 मिनट के लिए अभी हम छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और इसमें हम कुरकुरे बनाएंगे साबुदाना के, तो ये इसका चकली का वो, इसमें हम साबुदाने के कुरकुरे बनाएंगे। ये मशीन ले लिया मैंने, और इसमें जो सबसे मोटी वाली प्लेट रहेगी हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि साबुदाने का जो डो लगा है वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो कुरकुरे जैसे निकालना है, तो इसीलिए हमको उसका थोड़ी सी मोटी प्लेट चाहिए। पतली वाली निकलेंगे हम, मोटी वाली यूज करेंगे। तो अब मशीन में सेट करेंगे और फिर डो इसके अंदर डालेंगे। तो चलते हैं। ये मेरा आटा सेट हो गया, 10 मिनट हो गए, और ये मैंने जिसमें मैं कुरकुरे बनाऊंगी वो ले लिया है। इसके अंदर हम पहले तेल ग्रीस करेंगे अच्छी तरीके से, और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है, ताकि हम जब तक कुरकुरे बनाएंगे तब तक अच्छा तेल गरम हो जाए हमारा। तो चलते हैं, पहले इसमें हम तेल ग्रीस करते हैं और उसके बाद फिर डो डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने स्टार वाले डिजाइन का लिया है, इससे अच्छा निकलेगा मोटा भी। तो और अब हम इसको ऐसे बॉल बना के और इसमें डालेंगे, और जितना ऐड कर सकते हैं हम उतना डालेंगे उसमें अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं मैंने और डाल दिया है, और देख सकते हैं आप, और अच्छी तरीके से अब इसको हम बंद करेंगे। ये मैंने इसको बंद कर लिया है, और इधर एक प्लेट ले लिए, उसमें हम बना के डालेंगे, या चाहे तो आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। और अब हम इसको चकली को बनाना शुरू करेंगे, जो हम कुरकुरे बनाएंगे इसके। सारे बना के रेडी कर लिए, चलते अब हम फ्राई करने के लिए। तो ऑयल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम एक एक करके डालेंगे और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसको
उठा के ऐसे डाल रही हूँ, और आप चाहे तो डायरेक्टली ऑयल में डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं, और ऐसे सारे कुरकुरे में डाल के अच्छी तरीके से इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं, और अब मैं इसको थोड़ा सा पलटूंगी, और देख सकते हैं ये टूट भी नहीं रहे हैं, बहुत ही कुरकुरे बन रहे हैं। और इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे, और अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गए, और अब हम इसको निकाल देंगे, ज्यादा इसको रेड नहीं करना है, और अब हम इसको निकाल देते हैं और बाकी सारे कुरकुरे भी फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गए हैं, और ऐसे ही मैं सारे फ्राई करूंगी। ये मैंने बाकी भी कढ़ाई में डाल दिए, और अच्छी तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं मेरे कुरकुरे बनके रेडी हो गए, और इसको मैंने प्लेट में रख के सर्व भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, और देखिए कितने अच्छे से तरीके से टूट भी गए हैं। ये बहुत इजी है बनाना, और आप लोग भी ट्राई करिए इसको बनाना, और मुझे कमेंट करिए कि कैसे बने आपके साबूदाने के कुरकुरे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। और ये फरियाली के बनाए हैं, तो उपास के लिए तो अच्छी बात है। अगर आप बिना उपास के बना रहे हैं तो डेली यूज वाला नमक यूज कर सकते हैं। मैंने फास्ट के लिए बनाया इसलिए मैंने सेंधा नमक यूज किया है। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।